नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेनिला काजू कुकीज। इसे मैं ओवन में जो है बेक कर बनाऊंगी। आप इसे स्टोर करके जो है 1 मंथ से 2 मंथ तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, देखिए ये मैंने एक मेजरिंग कप ली हूँ इस तरह से। आप कोई भी जो है कप लीजिए या कटोरी लीजिए, लेकिन 3 चीज़ों का जो है नाप आपका समान होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस कप की सहायता से 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप मैदा और 1 कप पिसा हुआ शक्कर, पिसी हुई शक्कर जो है मैं ली हूँ। साथ ही यहाँ पे 100 ग्राम काजू का पाउडर, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम काजू का पाउडर मिक्सी में डालकर पीस कर बना ली हूँ। साथ ही 2 बड़ा चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर, और गार्निश के लिए जो है इसके ऊपर जब हम बनाएंगे जो है कुकीज़ तो उसके ऊपर रखने के लिए, चिपकाने के लिए ये 2-2 टुकड़ों में कटा हुआ जो है काजू। साथ ही 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, और 4 से 5 ड्रॉप जो है बूंद वेनिला एसेंस, और 60 से 70 ग्राम जो है अमूल बटर, और इसका डो बनाने के लिए हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में पानी। और हम इसमें जो है जो डो बनाएंगे वो ना तो बहुत अधिक सॉफ्ट होगा ना बहुत अधिक हार्ड होएगा, नॉर्मल जो है हम डो बनाएंगे इसका। तो चलिए हम आगे जो है इसका डो बनाना शुरू करते हैं। आइए अब हम वेनिला काजू कुकीज के लिए डो बनाना तैयार करते हैं। मैंने 1 बड़ा सा बर्तन ली हूँ जो गहरा है। अब इसमें मैं आटा डाल दूंगी, पहले इसको हम छन्नी से छान लेंगे ताकि कुछ भी जो है गंदगी हो तो निकल जाए, और साथ ही इसमें कुछ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चोकर बचा है, इसको मैं हटा लेती हूँ। साथ ही इसमें हम मैदा को भी डालकर छान लेंगे। ये करीब जो है 150 ग्राम एक एक जो है इसका होगा। अब जो है इसमें मैं इसे हटा देती हूँ। अब इस दोनों अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब जो है हम इसमें साथ ही बेकिंग सोडा भी इसमें मैं डाल देती हूँ, और अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी। खाने का जो सोडा होता है इससे जो है हमारी जो कुकीज़ है वो अच्छी कुरकुरी बनेगी, तो इसलिए हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर 1 बड़ा चम्मच जो है मिल्क पाउडर भी डाल देंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और 1 बाय 1 हम सब चीज़ें मिलाएंगे। काजू का पाउडर 100 ग्राम और वेनिला कस्टर्ड पाउडर जो है इसे भी हम डाल देंगे, ये 2 बड़ा चम्मच है, क्योंकि हम यहाँ पे वेनिला जो है काजू कुकीज़ बना रहे हैं इसलिए अच्छा एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर उपयोग किए हैं। साथ ही जो है मैं इसमें शक्कर भी डाल देती हूँ। आप जो है थोड़ा सा शक्कर जो है कम भी कर सकते हैं, यदि आपको मीठा कम खाना है तो भी कम जो है शक्कर डालिए। यहाँ पे मैं पूरी 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। अब जो है मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मिलाऊंगी, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। और आप चाहें तो शक्कर को भी जो है अच्छी तरह से जो है छन्नी से छान सकते हैं। अब मैं इसमें वनीला एसेंस के जो है 4-5 ड्रॉप भी डाल देती हूँ। करीब जो है ये 1/2 टीस्पून होता है, इसे भी हम डाल देंगे। और इसके बाद जो है मैं इसमें जो है बटर डाल दूंगी, और बटर डालकर मैं अच्छी तरह से इसको मिलाऊंगी। ये 60 से 70 ग्राम जो है अमूल बटर है, इसको मैंने पहले से ही फ्रिज से निकाल कर रख ली थी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे आटे के साथ, आटा और ये सब के साथ जो है हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं इस तरह से, और सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ से हटा देंगे।
और थोड़ा जो है ना तो सॉफ्ट ना हार्ड, एक जो है हम इसका जो है डो तैयार कर लेंगे। मैं इसमें पानी डाल दूंगी, सारी चीज़ें इसमें हमारी डल गई हैं, अच्छी तरह से मिल गया है। ये देखिए इसका जो है मैं आपको बताती हूँ, इतना जो है मोयन डालना है कि ये इस तरह से लड्डू बन जाए। इससे अधिक करेंगे तो आपका जो है बिस्किट जो है या कुकीज़ जो है वो सही नहीं बनेगा। तो आपको 60-70 ग्राम ही इसमें डालना है बटर, और यदि आपके पास बटर नहीं है तो आप वेजिटेबल जो है घी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको डालडा कहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे मैं अमूल बटर यूज़ कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बनेगा भी। अब इसको जो है हम पानी की सहायता से जो है ये इसका डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। और इसका एक हम डो तैयार कर लेंगे। पानी ज़्यादा डालने से फिर आपको जो है मैदा और वो डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शक्कर भी जो है इसमें घुल जाएगा। अब जो है इसको जो है मैं अच्छी तरह से गूंथ लूँगी, इस तरह से हाथ से मिला लूँगी अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद जो है इसको मैं ढक कर रख दूंगी। अभी मेरे हाथ में भी ये काफ़ी लग गया है, इसको हम ढक कर रख देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और यदि आपको आवश्यकता होगी, यदि आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा ढीला है, तो आप इसमें और जो है आटा या मैदा जो है जो भी या दोनों मिलाकर जो है इसमें डाल सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए और हम जब इसको बेलें तो बहुत अच्छी तरह से बेलें। अब जो है मैं इसको इस तरह से इसमें ढक्कन लगाकर इसमें मेरे को थोड़ा सा जो है करीब जो है 3 से 4 टेबल स्पून जो है और जो है मैदा, 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून जो है इसमें गेहूं का आटा अभी मैं इसमें और मिलाऊंगी गूंथने के समय जो है। ये अभी जो है थोड़ा सा हल्का सा पानी अधिक डल गया है, तो इसको जो है बैलेंस करने के लिए जो है मैं इसमें और भी डालूंगी। तो चलिए जो है 15 मिनट के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब 15 से 20 मिनट हो चुका है, आइए अब हम देखते हैं कि ये आटा जो है अच्छी तरह से है तैयार है कि नहीं। इसको एक बार अच्छी तरह से मैं इस तरह से मिला लूँगी। इसमें मैं पानी जरा अधिक डाल दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच जो है मैदा और आटा मिलाकर डालकर फिर से जो है इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लूँ। अब इससे मैं इतनी बड़ी जो है हम इससे 3 जो है इसके 3 भाग जो है डिवाइड कर लेंगे और इसकी इसको जो है मैं अब बेलना चालू करती हूँ। और इधर साइड में आप देख रहे होंगे ओवन को मैंने प्री हीट करके रख ली हूँ। ये जो है अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा मैदा जो है डस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद है मैं मतलब मैदे में रोल कर ली हूँ, और रोल करने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे इस तरह से। और मैं बताऊंगी इसका जो है कितना जो है मैं मोटा बेलूंगी, इसको आपको दिखाऊंगी शो करूंगी। थोड़ा इसका किनारा किनारा कटा रहेगा, उससे हम कट करेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे इसका जो है। इस तरह से मैंने एक जो है और थोड़ा सा हल्का सा पतला मैं कर देती हूँ ताकि बेकिंग में जो है आसानी हो। ये देखिए इसका थिकनेस जो है इतना है, ये अच्छी तरह से ये। अब जो है मैं इसको आप किसी भी कटर की सहायता से इसको काट सकते हैं, तो मैं इसको राउंड शेप में करूँगी। तो मैं यहाँ पे ग्लास ले रही हूँ, इसकी सहायता से मैं इसको कट कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए एट ए टाइम 4 जो है आपका रेडी हो जाएगा। अब इसे हम इस तरह से हटा लेंगे और इसको जो है मिला लेंगे। अब इसमें जो है मैं इस तरह से काजू जो है चिपका दूंगी, ये काजू चिपका दूंगी इस तरह से, क्योंकि हम वेनेला काजू कुकीज़ बना रहे जा रहे हैं इसलिए जो है। और साथ ही जो है थोड़ा सा जो है हम चाहें तो
इसमें कांटा चम्मच की सहायता से थोड़ा जो है हम इसमें होल भी बना देंगे, तो शेप भी अच्छा आएगा और साथ ही जो है ये कच्चा नहीं रहेगा। इस तरह से डिजाइन भी हो जाएगा, सुंदर भी दिखेगा और हमारा कुकीज भी रेडी हो जाएगा। अब इस कुकीज को जो है मैं ग्रीस लगे जो है एक ट्रे जिसमें मैंने घी लगा ली हूँ, बटर लगा ली हूँ और साथ ही एक बटर पेपर लगा रख ली हूँ, इसके ऊपर जो है मैं इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए जो है हम इसको इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम रख लेंगे। बाकी सारी कुकीज जो है मैं इसी तरह से बना लूंगी, फिर उसके बाद जो है हम इसके लिए को बेकिंग के लिए रखेंगे। मैंने कुकीज जो है कट करके तैयार कर ली हूँ, साथ ही ये दो इसमें जो है कंटेनर इसमें रखी हूँ ट्रे में जो है, और एक जो है बेकिंग जो है छोटा सा डिश है उसमें रखी हूँ, और एक जो है टर्न का और हमारे पास जो है बचा है उसको हम लास्ट में जो है बेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ओवन को प्री हीट करके जो है रख ली हूँ और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको सेट कर देंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड में है और सिर्फ जो है हम बॉटम जो है इसको ऑन करेंगे और इसके बाद जो है मैं इसको ओवन के अंदर डालकर रख देती हूँ। ओवन के अंदर ये डल गया, देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऑन करती हूँ मैं, एक लाइट ऑन करके दिखाती हूँ इसको। मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 से 25 मिनट तक बेक होने के लिए रखूंगी, फिर उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे कि हमारा ये बेक हुआ है कि नहीं। आइए अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हम इसको जो है ओवन को खोलकर देखते हैं कि हमारी कुकीज जो है बनकर रेडी है कि नहीं। तो वेनिला काजू कुकीज जो है रेडी है कि नहीं हम देखते हैं। इसको मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुका है, इसको मैं इधर ये दिखाती हूँ आपको, ये लाइट पिंक कलर में हो गया है। अब जैसे ही ये ठंडा होगा मैं इसको निकाल कर जो है डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए हमारा वेनिला काजू कुकीज बनकर रेडी है। ये मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 से 25 मिनट तक बेक करी हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है, इसका पीछे भी भाग देखिए बहुत अच्छा से बेक हुआ है, सामने से बहुत ही अच्छा है ये बेक हो चुका है। और एक दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए इसका बैक साइड भी देखिए जो है ये, इसे जो है मैं हटा लेती हूँ यहाँ से और इसको एक डिश आउट हम कर लेंगे इस तरह से। अब ये ठंडा हो चुका है इसलिए हम इसको निकाल के जो है इस तरह से इसमें जो है बाकी के जितने भी हमारे बचे हैं उस कुकीज को जो है हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा कुकीज रेडी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजन स्टोर से अपनी मनपसंद चीज़ें परचेज कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।